चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूँ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका था? अर्नेल्ड टॉय नबी का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी सिक्के प्रस्ताव को अपनाया था? यह बनारस अधिवेशन 1905। अगला है, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंडो मेसोटा। अगला, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला है, 1906 में बम्बई में प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे ने। अगला है, 1857 की प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? चितरंजन दास। अगला है, यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, किस प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया? आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था? उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खा पैलेस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति पर तक पहुंचा, इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की। अगला है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा, गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? खादी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा, इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? याद रखिए, अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। तात्या टोपे की सहायता से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ की गई? नमक कानून तोड़ने की घटना से। अगला है, गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था? देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रनाड़े ने। अगला क्वेश्चन है, कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए।
अगला है बंगाल विभाजन दिसंबर, बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। अगला है किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाली तुम्हारी ही हाड़ मास के हैं, तुम्हारे बंधव हैं, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद जी ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार कब एवं कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्ला खान तथा रोशन लाल। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वी डी सावरकर ने। अगला है 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम विडरवन। अगला क्वेश्चन है न्यू लैम फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई, इसके लेखक थे अरविंद घोष। अगला है कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। अगला है 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। अगला क्वेश्चन है 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है वायो वायो कॉम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये था जॉर्ज एलिसन। अगला है कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़ खड़ा रही है भारत में, मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह शब्द है लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है भगत जवाहरमल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन। अगला नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अगला क्वेश्चन है सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है पाथ वे टू पाकिस्तान किसकी कृति थी? चौधरी खलीकुज्जमा की।
अगला है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना को कब घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, थियोसिफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अडयार में। अगला है, मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्याग राय तथा टी एम नेयर ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन पद के हकदार नहीं। अगला है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हंटर आई की नियुक्ति किस घटना से संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से।